नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि अभी कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि जब मैं आपकी बुक Amazon पे लेने गई तो वहाँ पे मुझे एक कमेंट मिला कि आपकी बुक में कोर्स पूरा नहीं है। जो मेरी पहली बुक आई थी जिसमें काव्य शास्त्र ऐड नहीं था, ये उस समय का कमेंट है। आप टाइम डेट वगैरह चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मेरी नई बुक पब्लिश हो चुकी है, मतलब उसी का संशोधित संस्करण अब बाजार में भी है और Amazon पे भी संशोधित संस्करण उपलब्ध है, जिसमें काव्यशास्त्र भी ऐड है और यथासंभव उसमें हिंदी की जो मिस्टेक्स हैं वो सुधार दी गई हैं, जो टंकर संबंधी थोड़ी गलतियां हो गई थी। दूसरी चीज़ ये कि जैसे बीच में कहीं पे स्पेसिंग की प्रॉब्लम या हे या ने की थोड़ी बहुत गलती है तो वो हो सकता है रह गई हो, लेकिन अपनी उसमें काफ़ी गलतियां हमारी सुधार दी गई हैं, जो कुछ टाइपिंग एरर्स रह गई थी। और उसके साथ ही काव्यशास्त्र के साथ नई बुक मार्केट में है, तो जो भी ये बुक ले उसको ये बुक कैसी लगी है प्लीज़ Amazon के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा तो लोगों को बुक के बारे में समझने में आसानी रहेगी। हालांकि मेरे पास पर्सनल कमेंट्स बहुत सारे आते हैं कि बुक बहुत अच्छी है, मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके डाल सकती हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर आप Amazon से बुक मंगा रहे हैं तो उसका रिव्यू ज़रूर दीजिए। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो की। कल के इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी शब्द दोषों की, आज बात करेंगे काव्य में जो वाक्य दोष होते हैं उनकी बात। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व दोष मतलब अभीष्ट अर्थवाचक शब्द का वाक्य में अभाव। न्यून माने होता है कम कर देना, पद में कम हो गया। अगर जो अभीष्ट अर्थ है, जो अर्थ हमें चाहिए, अगर उसी अर्थ का की सूचना देने वाला शब्द ही अगर आपके वाक्य में नहीं होगा तो वहाँ पर न्यून पदत्व दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु ज्यों साधु। अब यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि पानी पावक पवन और प्रभु जैसे मतलब जिस तरह से दोनों हर परिस्थिति में समान रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अर्थ वो व्यक्त करना चाहते हैं उसी शब्द का प्रयोग ना होने से अर्थ के ग्रहण में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पर न्यून पदत्व दोष होगा। दूसरा होता है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष मतलब काव्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग। जैसे जो तीयमो मन लो गई कहाँ गई वह तीय। अब यहाँ पर देखिए तीय शब्द का दो बार प्रयोग किया गया है, गई शब्द का। यहाँ पर काव्य में कई सारे अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है काव्य को लय में लाने के लिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक तरह से कहेंगे तो। ये जो इस तरह का दोष होता है ज्योतिय मोह मन लो गई, मतलब ज्योतिय मेरा मन ले गई कहाँ गई वह तीय, तो इस तरह में इसमें अधिक पदत्व दोष है। अब अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व दोष नाम से ही समझ आ रहा होगा, कविता में कोई शब्द या पद अनुपयुक्त स्थान पर, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया है, स्थान पर प्रयोग करना। जब कविता में कोई भी पद या शब्द गलत जगह पर प्रयोग किया जाता है तो वहां आक्रमत्व दोष उत्पन्न होता है। जैसे राम गए फिर वन में, भरत पहुंचे कुछ दिन में। अब यहां पर जो काव्य है, जो लाइन दी गई है, इसमें शब्दों को गलत जगह पर प्रयोग किया गया है। राम गए फिर वन में, भरत पहुँचे कुछ दिन में, तो यहाँ पर अक्रमत्व दोष उत्पन्न होता है। इसके बाद हम बात करेंगे अर्थ दोष की। अर्थ दोष में सबसे पहले आता है पुनरुक्त दोष। पुनरुक्त दोष मतलब होता है पुनः उक्त, दोबारा कहा जाना। अलग अलग शब्दों को द्वारा एक ही अर्थ को
पुनः कहना, एक ही अर्थ को बार बार अलग अलग शब्दों के द्वारा अगर कहा जाएगा तो वहाँ पर पुनरुक्त दोष उत्पन्न होगा। उदाहरण, मृदुवाणी मीठी लगे बात कविन की उक्ति। अब मृदुवाणी भी मीठी होता है और मीठी शब्द यहाँ दोबारा प्रयोग कर दिया गया है, तो यहाँ पर एक ही बात को कई शब्दों द्वारा व्यक्त करने की कोशिश की गई है, तो यहाँ पर पुनरुक्त दोष उत्पन्न हो रहा है। मृदुवाणी मीठी लगे बात कविन की उक्ति। अब इसके बाद नंबर दो पर संदिग्ध दोष। संदिग्ध समझ आ रहा होगा शब्द के अर्थ से, जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी पद के कई अर्थ हों परंतु अभीष्ट अर्थ में संशय बना रहे, वहाँ पर संदिग्ध दोष होता है। जहाँ पर आपको किस अर्थ को ग्रहण करना है इसमें संदेह हो जाए, संशय उत्पन्न हो, वहाँ पर संदिग्ध दोष होता है। बंध्या तेरी लक्ष्मी करे बंदना तासु। अब यहाँ पर देखिए, बंध्या तेरी लक्ष्मी, इसमें कौन सा अर्थ ग्रहण करना है, इसमें संशय उत्पन्न करना उत्पन्न हो रहा है, जिसकी वंदना करूँ। बंध्या तेरी लक्ष्मी यानी लक्ष्मी तेरी बंध्या है, या बंध्या तेरी लक्ष्मी, मैं बंध्या हूँ तेरी लक्ष्मी, किस तरह का अर्थ इसमें ग्रहण किया जाए, इसमें संदिग्ध संशय उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदिग्ध दोष होगा। उसके बाद जो तीसरा दोष शब्द अर्थ दोष है वो है दुरान्वय दोष, जहाँ पर अन्वय की दृष्टि से पदों की व्यवस्था में व्यवधान हो, उसके अर्थ में बाधा पहुँचे, मतलब एक पद के साथ जो पद प्रयुक्त होना चाहिए वो उससे कुछ दूरी पर प्रयोग किया जाए, तब इस तरह का दोष उत्पन्न होता है। जैसे बंसी सुंदर बट जिते कान चरावत दीन। अब यहाँ पर बंसी बट एक साथ होना चाहिए लेकिन बीच में ये सुंदर शब्द का प्रयोग कर दिया गया है, बंसी सुंदर बट जिते कान चरावत धेनु, तो यहाँ पर बंसी बट का अर्थ ग्रहण करने में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए यहाँ पे दुरान्वय दोष होगा। जो पद है, पद का अर्थ संपूर्ण करने में, समझने में, अगर पद एक शब्द से दूसरा शब्द दूरी पर हो अभीष्ट अर्थ बताने वाला पद में, तो वहाँ पे दुरान्वय दोष होता है। दोस्तों अब बात करते हैं रस दोष की। शब्द वाच्यत्व दोष, रस का स्थायी भाव या संचारी भावों का स्व शब्दों द्वारा स्पष्टीकरण। यहाँ पे देखिएगा, रस के स्थायी भाव या संचारी भावों का जब अपने ही शब्दों द्वारा कवि स्वयं स्पष्टीकरण देने लग जाए तो वहाँ पर शब्द वाच्यत्व दोष होता है। जैसे आह कितना सकुरुण मुख था, आर्ध सरोज अरुण मुख था। इसमें कवि ने जो स्थायी भाव है उसका स्वयं स्पष्टीकरण दिया है कि किस तरह का उसका मुख था। एक पद यहाँ पर प्रयोग कर दिया है, आह कितना सकरुण मुख था, आर्ध सरोज अरुण मुख था, इसलिए यहाँ पर सत्वाच्यत्व दोष उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद परिपंथ सांग परिग्रह दोष, जहाँ पर एक रस का वर्णन पुनः उसी के बाद जहाँ एक रस का वर्णन किया जाए और उसके तुरंत बाद पुनः उसी के विरोधी रस का वर्णन कर दिया जाए, वहाँ पर परिपंथ सांग परिग्रह का दोष उत्पन्न होता है। जैसे इस पार प्रिय मधु हो तुम, मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा रस उत्पन्न हो रहा है, इस पार प्रिय मधु हो तुम हो, मिलन है, यहाँ पर श्रृंगार रस है, उस पार न जाने क्या होगा, तुरंत यहाँ पर इसके विरोधी रस का प्रयोग कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर परिपंथ सांग परिग्रह दोष होगा। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको काव्य दोष समझ आ गए होंगे। अगर कोई लाइन पूछी जाती है या काव्य दोष पूछे जाते हैं तो आपके पेपर्स में आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एक बार
थम्स अप को टच करने से आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ती है, परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, मैं शेयर करने को तो कहती ही नहीं हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा दूसरे लोगों से भी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।